गाइज वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल हियर आई एम बैक विद माय अनदर अनबॉक्सिंग वीडियो। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग अच्छे होंगे। तो गाइज जैसे कि आप देख रहे हो मैं फिर से अमेजोन के प्रोडक्ट की अनबॉक्सिंग करने जा रही हूँ। तो जब तक इसे मैं ओपन करती हूँ मैं आपको एक अनाउंसमेंट दे देती हूँ कि गाइज मेरे चैनल पर एक बहुत जल्दी एक व्लॉग आने वाला है और अगर आप चाहते हो कि वो व्लॉग आए और जल्दी जल्दी से आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और शेयर भी करना। तो गाइज ये देखिए कितनी अच्छी पैकेजिंग में आई है। ये छोटे होते ना मैं ऐसे बड़े बड़े ही ऐसे बबल्स को फोड़ती थी। तो ये हमारे बॉक्स में आई हैं। तो आप गाइस एमआरपी भी देखो 600 है ना, और जो आप बिल पे देखोगे ना तो आप कहोगे वाह यार इतनी एमआरपी इतनी सस्ती मिली। कई बार ना मैं बहुत कंफ्यूज होती थी कि रियली इतनी एमआरपी है और हमें इतनी कम में मिल गया, लेकिन वो गलत तो नहीं डालते ना कहीं पर एमआरपी। ये हमेशा से एक मिथ रहा है। तो चलो ये हमारी लाइट्स हैं छोटी छोटी सी, और अभी मैं आपको बिल दिखा देती हूँ कि बिल कितना है। तो गाइस आप देखोगे कितना है बिल, 129 है या 125 है, सॉरी गाइस मुझे भी याद नहीं रहता। तो एमआरपी देख लो अपन ना 600, मुझे सिर्फ उससे मतलब आप फोर्थ पार्ट में कह सकते हो कि एमआरपी फोर्थ पार्ट में मुझे ये पड़ी है 2 एलईडीज। सो गाइस ये मिनी लाइट्स कह सकते हैं, सॉरी एलईडी नहीं कह सकते। हाँ तो गाइस देखो कितनी क्यूट लग रही है। वीडियो में पता नहीं क्यों लाइट का जो डिज़ाइन है वो एक्चुअल नहीं आया, जो एक्चुअल है। मैं ट्राई करूँगी कि आपको जो डिज़ाइन है वो भी दिखे। एक बार मैं लाइट ऑफ कर देती हूँ पूरी, तो ये भी ऑफ कर दी। हाँ अभी आप देखना कितनी इसकी लाइट कितनी है। सी गाइस ये दोनों की लाइट कितनी ज़्यादा है ना। और ये इसका एक मेन पार्ट है कि हम ना इसे अपनी शेप में कोई भी शेप उसे मोल्ड कर सकते हैं। हमें इन्होंने ये साथ में दिए थे कि ये साथ में लगे होते कि ताकि ये जो सेल है उस वायर्स के साथ ना अटैच हो, और हम अगर ऐसे करेंगे तो सेल हैं वो पीछे हो जाएंगे। ये भी मुझे बहुत अच्छी चीज़ लगी है। ये बाद में हम रिमूव कर सकते हैं। वैसे तो यहाँ पे ऑन ऑफ का भी बटन दिया हुआ है उन्होंने, बट ये भी साथ में उन्होंने दी थी। और लाइक ये हमारे यूज़ के लिए नहीं है, ये उनके पास पड़ी रहती थी, वो यूज़ नहीं करना चाहते। अगर जो सेल होते हैं ना अगर वो वायर के साथ लगे, वो उनकी बैटरी जो है ना वो लो हो जाती है, इसलिए उन्होंने लगा के रखा हुआ था ये। तो अभी मैं आपको एक ओपन करके बताती हूँ। ये देखो गाइस डिज़ाइन में भी आपको वीडियो में नहीं पता चल रहा, लेकिन जो शेडो पैरी थी टेबल पे उसे आपको क्लियर होगा कि इसका डिज़ाइन कैसा है। तो एक बार मैं लाइट ऑन कर लेती हूँ, ऑफ कर दिया फिर से। ये देखो गाइस है ना इसका थोड़ा ऐसा है ये एक्चुअली। सॉरी गाइस मुझे पता नहीं चला कि मैंने वीडियो वो वाला ऑन नहीं की थी, और अभी मुझे पता चला कि मैंने वीडियो ऑन नहीं की थी, तो कुछ पार्ट मिस हो गए, लेकिन कोई बात नहीं, सारी चीज़ मैं आपको फिर से बता दूँगी बनाकर। तो गाइज़ ये देख सकते हैं सेल का जो साइज़ है, ये वाले सेल इसमें पड़ते हैं। और वो जो क्लिप थी उन्होंने दी थी वो कैसे यूज़ होती है वो भी मैं आपको बताती हूँ वो क्यों थी। पहले हम एक बार सेल इसमें डाल लेते हैं। अंदर स्प्रिंग लगा हुआ है, यहाँ पे थोड़ा कैमरा ब्लर हो गया बट सॉरी क्लियर है वैसे भी। तो अब देखो सेल डल गए, अब ये लाइट ऑन ऑफ का तो बटन है ही, अब वो जो क्लिप्स ही उन्होंने हमें दी है वो कैसे यूज़ करनी है वो बता देती हूँ मैं आपको। गाइस सीरियसली बहुत टाइट था, इजीली नहीं ओपन हुआ, मुझसे तो बिल्कुल नहीं ओपन हुआ। उस दिन मुझे अपनी भाभी जी से हेल्प लेनी पड़ी। तो गाइस ये देखो ये सेल सारे पीछे हो गए वो पतली सी क्लिप्स डालने से, अभी वो वायर के साथ अटैच नहीं हो गए। और अगर आपको नहीं यूज़ पे करना ये डाल दो तो आपके सेल हैं जो वो लाइव ही लिव रहेंगे, मीन्स कि डन नहीं होंगे जल्दी। तो ये देख सकते हैं कि अब मैंने वो हल्की से निकाली और सेल सारे उड़कर बाहर आ गए हैं। ये देखो गाइस अब मैं पकड़ कर रखती हूँ, बहुत शैतान है ये यस ये ऐसे काम करते हैं। अगर आप ऑन का रखा होगा फिर भी आप ये लगा दोगे तभी वो ऑफ हो जाएगा, क्योंकि सेल का जो कनेक्शन ही नहीं मिलेगा वायर को। तो हम इसे क्लोज कर देते हैं। तो यस ये देखो गाइस मैं आपको फिर से करके बता रही हूँ, क्योंकि कुछ पार्ट मिस हो गए थे, मुझे नहीं पता अब कौन से मिस हो गए हैं कौन से नहीं अभी बने हैं वीडियो में। सो मैं दोबारा करके बता रही हूँ। तो एक वायर हम खोल लेते हैं। ये देखो गाइस ये बहुत क्यूट है और यूज़फुल भी है, तो कह सकते हैं कि
आप अपनी डेकोरेशन अगर भी करना चाहते हो, बर्थडे पार्टीज़ में यूज़ हो सकती हैं, या इसका आप क्राउन बना सकते हो। और इससे हमें कोई कनेक्शन की लोड़ नहीं पड़ती, लाइक स्विच बोर्ड की लोड़ नहीं पड़ती। आप इसका क्राउन बनाकर और ये जो इसका मेन वो जिसमें सेल पड़ते हैं ना वो वाला थोड़ा पीछे करके हेयर स्टाइल में डालकर वो, और नाइट में अगर लाइट्स ऑफ करके पिक्चर क्लिक करेंगे तो ट्रस्ट में बहुत अच्छी पिक्चर्स आएंगी, तो इससे आपको करंट का भी डर नहीं होगा। तो मैं एक इसे स्टार की शेप देने की कोशिश करती हूँ, होपफुली कि वो बन जाए मुझसे। आई ट्राई माई बेस्ट। तो गाइज अगर आपको वीडियोस अच्छी लगते हैं, अगर आप सब्सक्राइब नहीं करना चाहते जैसे कि मैंने पहले बोला, प्लीज़ सब्सक्राइब करो। बट मैं भी कहूँगी कि अगर आप नहीं सब्सक्राइब करना चाहते प्लीज़ कमेंट जरूर ड्रॉप, विल सी कि अच्छी से निकल जाए शेप। आप देख सकते हो इसका जो ना कॉन्स हम देखें तो ये है कि इसके जो बीट्स लगे हुए हैं जिसमें से हमें लाइट आती है वो बड़ी ज़्यादा थोड़ी दूर लगे हुए हैं डिस्टेंस, तो यही है जो इसकी डीमेरिट है। बाकी इजी टू कैरी है, इजी टू यूज़ है, ऐसे कोई हमें शॉक करंट वगैरह की कोई लाइक प्रॉब्लम नहीं आएगी, ना ही हमें कोई लाइक डर भी नहीं लगेगा। इसके बहुत सारे हम यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि अगर आप कोई गिफ्टिंग बॉक्स बनाते हो तो उसमें आप यूज़ कर सकते हो इसे, पीछे लाइट्स लगा के आगे पिक्चर्स लगा के ये, और ये बॉक्स में रख सकते हो। अगर आपको ऐसा कंटेंट चाहिए तो आप प्लीज़ मेरे जो सेकंड चैनल है ब्लेजिंगर उसे ज़रूर सब्सक्राइब करो, मैं आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियोज़ लेकर आऊँगी वहाँ पर भी और इन्फॉर्मेशन वाली भी। तो ये कांच की बॉटल्स आती है आप उन्हें उसमें भी डाल सकते हो इसे। तो गाइज आप देख सकते हैं जैसे कि मेरे कैसा वो बना, और डिस्टेंस देख सकते हो आप। तो अगर आप कोई भी शेप देना चाहते हो उसे, फिर इसे रीगेन उसकी जो पहली शेप है उसमें लाना चाहते हो, तो इजीली जो ये स्ट्रेट हो जाती है, क्लीनली हो जाती है। तो इसकी बस हमें थोड़ी सी केयर करनी पड़ेगी जो, क्योंकि इसकी जो वायर है वो थोड़ी पतली है, टूटनी नहीं चाहिए। तो मैं खोल कर देख रही थी यहाँ पर भी इसकी कितनी लेंथ, और इसकी लेंथ काफ़ी अच्छी है। तो गाइज ये थी मेरी आज की वीडियो, तो एक बार आप अगर अच्छी लगी तो लाइक शेयर जरूर करना। बाय बाय।